अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो का टॉपिक है कि आपके पास जो अर्थवर्क की क्वांटिटी होती है वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप हम करते चले आ रहे हैं इस सीरीज में कि कौन सी क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है। पहले हमने पूरे स्ट्रक्चर मटेरियल और बाद में मीडियन का हमने क्वांटिटी कैलकुलेट की थी। आज हम इस वीडियो में कट और फिल को चेक करेंगे कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये हमारी ड्राइंग है जो हम यूज कर रहे हैं। इसके लिए आपने एक सैंपल लाइन को किसी को भी सिलेक्ट करना है और ग्रुप प्रॉपर्टी में चले जाना है। यहाँ पे आपके पास जो है मटीरियल है, लिस्ट है, यहां से आप अपनी न्यू लिस्ट बना लें। मैं इसको कट का नाम दे रहा हूँ, पहले मैं इसमें कट कैलकुलेट करूंगा। यहाँ बाय डिफॉल्ट कट ही सिलेक्ट है। यहाँ पे हमारे पास दो सर्विसेज हैं जो रिक्वायर्ड हमें, एक NSL और एक कॉरिडोर बेस जो हमारी डेटम सर्फस होती है। तो इसमें हमने जो मटेरियल कैलकुलेट करना है वो ये जो NGL की लाइन है, ठीक है, ये जो NGL की लाइन है, ठीक है, इससे हमें नीचे चाहिए और कॉरिडोर बेस से ऊपर चाहिए क्योंकि ये हमारा कट मटेरियल है, तो इससे हमें बिलो में चाहिए। ओके, ये हमारी जो लाइन है ये यहाँ डेटम लाइन से ऊपर है, ठीक है, तो इससे हमने नीचे कैलकुलेट करना है और ये जो डेटम लाइन है हमारी, ठीक है, इससे हमें ऊपर चाहिए। तो मैं जस्ट इसको अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये व्हाइट हैच नजर आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारी कट क्वांटिटी है। तो इसका स्टाइल आपने जो भी बनाया हो आप उसको असाइन कर दें। मेरे पास ये कट के नाम से है, मैं इसको असाइन करता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये रेड हैच जो है ये शो हो गया है। ये हमारा कट मटेरियल था। अभी हम इसमें जो है फिल मटेरियल जो है वो कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे मेरे पास एक मैंने फिल सेक्शन को जूम किया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे जो है तकरीबन हाफ पोर्शन में यहाँ पे भी फिल का सेक्शन नजर आ रहा है, तो मैं इसको फिल का नाम देता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं इसको फिल सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं इसका स्टाइल असाइन कर देता हूँ। ओके, और यहाँ से अभी जो है कॉरिडोर बेस को आपने ऐड करना है और NSL को ऐड करना है। इस दफा हमें NSL के ऊपर कैलकुलेट करना है मटेरियल और डेटम सरफेस के हमने नीचे कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो NSL से अबव रहेगा और ये जो डेटम सरफेस है इसके बिलो आएगा ये। ओके, मैं जस्ट इसको अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस सेक्शन में भी मटेरियल हमारा कैलकुलेट हो गया और बाकी सेक्शन में भी कैलकुलेट हो गया। हम इसको जूम करके देखते हैं कि ये सब में आया है कि नहीं आया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पे फिल के सेक्शन है, ठीक है, और यहाँ पे ये जो कट के सेक्शन है, ओके, ये कट का एरिया है और यहाँ पे भी ये छोटा सा कट एरिया आ रहा है हमारा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।